हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैरियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। तो यार, एक धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी आपका एम फिल ड्राइव आ रही है आप सबको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले यार, अभी तक अपने चैनल को विजिट नहीं किया, जाके चैनल को विजिट करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी भी हायरिंग कर रही है, काफ़ी बिग कंपनी के द्वारा भी हायरिंग हो रही है 2020-2021-22 बैच के लिए। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप चैनल को विजिट करना, जाके चैनल को भी विजिट कर सकते हो। चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जाके वीडियो को पूरा देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हो कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आप असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, पूरा एकदम एक्सप्लेन किया हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जाके चैनल को विजिट करना। और यार, अभी तक चैनल पर नया या वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी या आपने अप्लाई किया, जो भी चीज़ें होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो सबसे पहले TCS कंपनी की तरफ से आ रही है। आप सबको पता है TCS फेज टू की हायरिंग काफ़ी टाइम से स्टार्ट है और जो इसकी डेट है फिर से इसकी डेट बढ़ गई है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आप सबको पहले से बता रखा है, इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं और क्या प्रोसीजर होने वाला है। फिर से यहाँ पे आप सबको बता देना चाहता हूँ कि डेट जो TCS फेज टू की डेट फिर से बढ़ गई है, 16 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप सबके पास लास्ट चांस है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप सबके लिए गुड न्यूज होने वाली है। तो फिर से अप्लाई कर देना, वेट बिल्कुल भी मत करना। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है 16 जनवरी 2022 होने वाली है, और अगर आप 2020-21 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल होने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कंपनी के द्वारा सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके वहाँ से ओपन करना और सारी चीज़ों को रीड आउट करना, उसके बाद अप्लाई करना। अगर कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे एलिजिबल स्ट्रीम जो भी होने वाला, अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, एमई किया है, एमटेक किया है और एमसीए किया या एमएससी किया है, तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो। एमसीए और एमएससी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस के फेज टू की हायरिंग के लिए, अगर 2020-21 बैच के स्टूडेंट हैं तो अप्लाई करना। फॉर द मोर डिटेल ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कांडे रिफर द टेस्ट एलिजिबिलिटी सेक्शन बिलो। और यहाँ जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो तो आप अप्लाई करना। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे सिंपल सी फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, आपको फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट आओ पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तब सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। अगर आप 2020-21 बैच के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, एमई किया है, एमटेक किया है, एमसीए भी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 2020-21 बैच के स्टूडेंट हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी TCS में जॉब करना चाहते हैं, जो भी TCS जैसी बिग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जिनको नहीं पता है अभी TCS के बारे में, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी फेज टू की हायरिंग हो रही है, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करना। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो नेक्स्ट जॉब जो आ रही है यहाँ पे माइंड ट्री कंपनी की तरफ से होने वाली है। तो माइंड ट्री कंपनी फिर से हायरिंग कर रही है 2021 बैच के स्टूडेंट के लिए। अगर आप 2021 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। माइंड ट्री बस 2021 के लिए एक बार फिर से हायरिंग कर रही है, जो कंपनी के द्वारा यहाँ पे CTC आपको ऑफर हो रहा है, 4 LPA का ऑफर हो रहा है, और जो जॉब की पोजीशन होने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है। और यहाँ पे कंपनी के द्वारा कोई भी बॉन्ड नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं रख रही है। और 26,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, जब तक आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन कर रखा है, ग्रेजुएशन अगर आपने बी किया, बीटेक किया है, और बीटेक में अगर आपका परसेंटेज 60% या CGPA में हम बात करें तो 6.0 CGPA है या उससे अबव है, तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो। 10th और 12th में भी अगर आपका 60% है या उससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ बैकलॉग्स की भी बारे में बात की गई है, अगर कोई एक्टिव बैकलॉग्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रीम यहाँ पे होने वाली है CSIT
नो गैप ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग के बीच भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और जो कंपनी के द्वारा यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस भी मेंशन किया गया है, सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कोडिंग टेस्ट होगा, टेक्निकल डिस्कशन होगा, उसके बाद लास्ट राउंड होगा या चार राउंड होगा, फिर यहाँ पे कंपनी के द्वारा आपको ऑफर लेटर मिलने वाला है। तो अप्लाई करना अगर आप भी 2021 बैच के स्टूडेंट हैं। माइंडट्री काफ़ी बिग कंपनी है और कंपनी के द्वारा काफ़ी अच्छा CTC यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, 4 LPA का काफ़ी डिसेंट CTC है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को आप जैसे ओपन करोगे कि कुछ इस टाइप की विंडो आपके सामने ओपन होने वाली है। यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सारी चीज़ें फिलअप करके सबमिट कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट होने वाली है 24 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है, तो उसके पहले आप अप्लाई कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी 2021 बैच के स्टूडेंट हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो विप्रो कंपनी की तरफ से नेक्स्ट जॉब जो आ रही है, विप्रो कंपनी की तरफ से आप सबको पता है विप्रो कंपनी एक यहाँ पे चैलेंज करवाती है जो नेशनल टैलेंट हंट के नाम से जाना जाता है, और इसी के द्वारा यहाँ पे हायरिंग होती है। विप्रो इलाइट नेशनल टैलेंट हंट फिर से यहाँ पे होने वाला है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर करना। अगर आप वेट कर रहे थे विप्रो जैसे बिग कंपनी में वर्क करने के लिए, या लास्ट वाली अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई थी, तो अभी आपके पास टाइम है, अप्लाई करना। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन में, अगर आपने बी किया, बी टेक किया है, एमए किया, एमटेक किया है, तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे पासिंग ईयर है 2020, 2021, 2022 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है 60% या उससे वह होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 10th में 12th में, और CGPA में हम बात करें तो 6.0 CGPA आपका होना चाहिए, उससे अबव है तो आप एलिजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हो। और अप्लीकेशन के यहाँ पे जो लास्ट डेट होने वाली January 31, 2022 होने वाली है, तो अभी काफ़ी टाइम है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपकी एज 25 ईयर से कम या 25 ईयर है तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका असिस्मेंट टेस्ट होगा, फिर बिजनेस डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद ऑफर लेटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी और बिग अनाउंसमेंट है विप्रो कंपनी की तरफ से, और यहाँ कंपनी की तरफ से 12 मंथ का बॉन्ड भी होने वाला है, 12 मंथ का बॉन्ड भी होने वाला है कंपनी की तरफ से। तो 12th मंथ तक कंपनी में आपको वर्क करना ही होगा, उसके बीच में आप कंपनी को स्विच नहीं कर सकते हो। अगर आप बीच में कंपनी को स्विच करते हो तो आपको यहाँ पे 75,000 का यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप 12 मंथ आपको कंटिन्यू यहाँ पे वर्क करना ही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी बिग कंपनी है, तो हायरिंग हो रही है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ओपन करना, सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सबको पूरा बता दिया है, अप्लाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है, आदित्य बिरला कंपनी की तरफ से आ रही है। आदित्य बिरला ग्रुप काफ़ी बिग कंपनी है, आप सबने नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पे हायरिंग हो रही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च ट्रेनिंग पेंट्स मुंबई लोकेशन के लिए, महाराष्ट्र लोकेशन के लिए। जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंपनी के द्वारा, बिरला कंपनी के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया, अगर आपने आप अगर MBA के स्टूडेंट हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मिनिमम एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर का होने वाला है, तो अगर आप 2018, 2019, 2020, 2021 में पास आउट हुए हो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करके अप्लाई करना, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और चलो नेक्स्ट जॉब जो आ रही है, परसिस्टेंट कंपनी ऑफ कैंपस हायरिंग ड्राइव फॉर BCA 2021 बैच पास आउट स्टूडेंट ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल प्लेसमेंट सेल PCET नूतन ग्रुप पुणे। तो यहाँ पुणे लोकेशन के द्वारा परसिस्टेंट कंपनी के द्वारा यहाँ पे हायरिंग फिर से हो रही है BCA के लिए, ये होने वाली है। अगर आप BCA के स्टूडेंट हो तो आप सबके लिए काफ़ी गुड न्यूज है, बिग अनाउंसमेंट है परसिस्टेंट कंपनी के द्वारा BCA स्टूडेंट के लिए। फाइंड द बिलो डिटेल्स, जॉब रोल जो होने वाला है ट्रेनिंग पोजीशन के लिए यहाँ पे होने वाला है। हायरिंग मॉडल 1 ईयर ट्रेनिंग ट्रेनशिप फॉलोड बाई फुल टाइम एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड बोनस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये BCA स्टूडेंट के लिए होने वाला है। अगर आप BCA बैच के हैं, BCA बैच स्टूडेंट हैं और 2021 में अभी पास आउट हुए हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये 2021 बैच के लिए होने वाली है और BCA स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जो परसेंटेज क्राइटेरिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया 60% या उससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम अगर आपका 60% है 10th 12th या ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो।
जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर स्किल यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो सारी चीज़ों को रीड आउट करना। जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले आपका परसिस्टेंट क्वालिफायर टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद टेक्निकल प्लस या चार असिस्मेंट होगा। उसके बाद ऑफर रोल आउट होगा आपको, टेंटेटिव डेट ज्वाइनिंग आप इमीडिएट इन 2022 में आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करना है। जो यहाँ पे फर्स्ट सैलरी आपको होने वाली है ट्रेनिंग पीरियड में 16,000 to 18,000 पर मंथ होने वाली है। सेकेंड ईयर सैलरी जो आपकी होगी 2.66 LPA एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए होने वाली है। तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 16,000 to 18,000 के बीच वेरी करेगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो आपकी सैलरी होगी 2.66 LPA एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए हो जाएगी। और जो जॉब की लोकेशन होने वाली है, पुणे, नागपुर एंड बेंगलोर लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है BCA स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारी चीज़ों को रीड आउट करना। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, बेसिक से चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है BCA स्टूडेंट के लिए 2021 बैच के लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो यहाँ पे विप्रो कंपनी के द्वारा फिर से हायरिंग हो रही है 2021 बैच के लिए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। फिर से यहाँ पे हायरिंग हो रही है 2022 बैच के लिए, अपकमिंग बैच के लिए। तो यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं, बस ये जो अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है विप्रो कंपनी की तरफ से 2022 बैच के लिए होने वाली है। मैंने ऑलरेडी अभी वीडियो में पहले आपको डिस्कस कर दिया है 2019, 20, 21 बैच के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आई थी, आप जाके आगे वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया 2020, 21, 22 बैच के लिए। और ये जो से फिर से हायरिंग हो रही है बेसिकली केवल 2022 बैच के लिए होने वाली है। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है 60% इन 10th एंड 12th में होना चाहिए, और जो CGPA में बात करें हम तो 6.0 CGPA आपका होना चाहिए। मैक्सिमम 1 एक्टिव बैकलॉग इन अलाउड टिल द इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम तक आपका बस एक बैकलॉग, एक्टिव बैकलॉग यहाँ पे अलाउ है। उसके एक से ज़्यादा आपका अगर बैकलॉग है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और स्टेज ब्रांचेस CSIT होना चाहिए और पासिंग ईयर 2021 होना चाहिए। 3 ईयर ऑफ गैप अलाउ इन एजुकेशन 10th ग्रेजुएशन, नो गैप अलाउ इन ग्रेजुएशन पीरियड। ग्रेजुएशन पीरियड में कोई भी गैप अलाउ नहीं है यहाँ पे। 10th में आपका यहाँ पे 3 ईयर का गैप अलाउ है, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 4 ईयर, आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर में ही कम्प्लीट होना चाहिए। अगर 5 ईयर में लग बाई चांस कम्प्लीट हुआ है तो सॉरी, आप सब नहीं अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पे मेन क्वालिफिकेशन BE BTech कंपल्सरी है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी, अगर आप 5 ईयर ME MTech कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी यहाँ पे एज लिमिट है, अगर आपकी एज 25 ईयर या उससे कम है तो आप एलिजिबल होने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा चीज़ यहाँ पे भी है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, उसके बाद बिजनेस डिस्कशन होगा, फिर लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिलेगा, फिर ऑफर लेटर यहाँ पे मिलने वाला है, जो पर एनम कंपटीशन यहाँ पे मिलने वाला है, 10 लाख प्लस 1 लाख रेंटेशन बोनस पेड आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन एंड मर्ज ऑफ CTC आफ्टर 1 ईयर। तो काफ़ी अच्छा CTC, काफ़ी बिग CTC कंपनी के द्वारा आपको ऑफर हो रहा है। टोटल यहाँ पे जो CTC ऑफर किया जा रहा है एज ए सैलरी 11 लाख पर एनम का ऑफर किया जा रहा है। और डेस्टिनेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है 2022 बैच के स्टूडेंट के लिए। बिग अनाउंसमेंट है, 11 लाख LPA पर ईयर पे यहाँ पे आपको हायर किया जा रहा है। कैरियर बॉन्ड B1 1 ईयर का यहाँ पे बॉन्ड होने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी कोई भी सर्विस एग्रीमेंट नहीं होने वाला है। तो यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लिंक ओपन करके सीधा अप्लाई करना। काफ़ी बिग अनाउंसमेंट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए 2022 बैच के लिए। और कंपनी के द्वारा आपको, विप्रो कंपनी के द्वारा अच्छा CTC भी ऑफर किया जा रहा है, तो अप्लाई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। क्वेलेस कैरियर कंपनी की तरफ से आ रही है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर सिक्योरिटी एप्लीकेशन पोजीशन के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ मेंशन की गई है सारी चीज़ें, और जो रिक्वायर स्किल यहाँ पे है, अगर 0 से 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्निकल सपोर्ट रोल, तो अगर आप 2020-21 बैच के हैं तो आप एलिजिबल होने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो क्वेलेस कैरियर कंपनी के लिए एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर पोजीशन के लिए। वैल्यूरेबिलिटी मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी फेयरवेल एप्लीकेशन सपोर्ट एक्सपीरियंस इन प्रेफर्ड इन डेप्थ
TCP/IP अंडरस्टैंडिंग, LAN, WAN, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन ऑपरेटिंग सर्विसेज IIS, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, बैचलर साइंस एंड प्रेफरेबल विथ ए मेजर कंप्यूटर साइंस आर इक्विवेलेंट, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 2020-21 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सबके लिए एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर पोजीशन के लिए काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट है, काफ़ी बिग अनाउंसमेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके अप्लाई करना। अगर कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो ये हायरिंग हो रही है, पुणे लोकेशन के लिए हायर किया जा रहा है आप सबको 2020-21 बैच के लिए। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैंने आप सबको बता दिया है। और कॉग्निजेंट कंपनी की भी हायरिंग यहाँ पे 2019-2021 बैच के लिए होने वाली है। तो एप्लीकेशन की अभी कॉग्निजेंट कंपनी की जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है 31 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है। तो 31 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर देना। जो कंपनी के द्वारा यहाँ पे CTC ऑफर हो रहा है 2.52 LPA का हो रहा है, काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा CTC है एज ए फ्रेशर के लिए। अगर आप 2019-2021 बैच के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ 50% एंड 10th-12th इन डिप्लोमा UC फुल डिग्री होना चाहिए। और जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 ईयर है, उससे एबव है तो आप अप्लीकेबल नहीं हो। मैक्सिमम 2 ईयर का गैप कंपनी के द्वारा अलाउ है, उससे ज़्यादा का गैप है तो आप सब एलिजिबल नहीं हो। और जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 50% यहाँ पे मिनिमम है, अगर आपका परसेंटेज 50% है उससे एबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली 2019-2021 बैच के लिए होने वाली ग्रेजुएट ट्रेनिंग पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है कॉग्निजेंट कंपनी। तो पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी विप्रो कंपनी की तरफ से 2019-2021-22 बैच के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट CTC ऑफर किया जा रहा है 3.50 LPA का हर 2022 बैच के लिए, काफ़ी बिग अनाउंसमेंट है। तो अप्लाई करना आप सभी। और यहाँ Mindtree कंपनी भी काफ़ी अच्छी पोजीशन के लिए हायर कर रही है और TCS की हायरिंग भी हो रही थी, जो पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। तो यार वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के साथ बने रहना। सारी अपडेट जो भी आप कैंपस ड्राइव से आएगी आप सबको टाइम टू टाइम यहाँ पे बताया जाएगा। और कोई भी जॉब आपसे मिस हो जाती है, अभी उसकी डेट रहती है, तो उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू में बता देता हूँ कि अभी उसकी डेट है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बाई चांस आपने उस वीडियो को नहीं देखा, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर से बता देता हूँ। तो जाके वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।